मध्य प्रदेश उपचुनाव में अपनी चुनावी रैलियों के दम पर कांग्रेस को 9 सीटें जिताने वाले प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। सचिन पायलट ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेरी कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। सचिन पायलट के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद दुआओं का दौर भी शुरू हो गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनके जल्द ठीक होने की कामना की। इसके अलावा सचिन पायलट के दोस्त और बीजेपी के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि मैं सचिन पायलट के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के स्वस्थ होने की जानकारी मिली, ईश्वर से आपके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं गुर्जर संघर्ष समिति के नेता कर्नल किरोड़ीलाल बेसला भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कर्नल बेसला ने बुधवार यानी 2 दिन पहले ही गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की थी और सीएम की मुलाकात से पहले बेसला के मंत्रियों के समूह के साथ 9 घंटे तक समझौते को लेकर बैठक कर चुके थे। राजस्थान में पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से गुर्जर आरक्षण आंदोलन सरकारों की मुसीबतें बढ़ाता रहा है। आरक्षण की लड़ाई की अगुवाई करने से सबसे आगे बड़ा नाम कर्नल किरोड़ीलाल बेसला का है। दरअसल राजस्थान में कोरोना के 2 लाख से ज़्यादा मामले हैं, जिसमें कुल 2,17,151 फाइनल मामले हैं, जिसमें से 16,253 एक्टिव केस है। सूबे में 2019 से भी ज़्यादा लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। राजस्थान में 1,98,139 लोग ठीक भी हो चुके हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।